हमारा शिप्स ऑफिस है। अब आप देख रहे हैं ये साउंडिंग टेबल्स होता है, तो यहाँ पे ये सारे टैंक बैलास्ट टैंक होते हैं, नंबर 1 DB, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 4 पेक, इस तरीके से ये सारे टैंक्स मेंशन होते हैं और इन सब में पानी लिया जाता है बैलास्ट और डी बैलास्ट। इस तरीके से ये हमारा ये जो है बैलास्ट टैंक गेज है, PRCS सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें दिखाओ वाल्व रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है। सबसे पहले आप देखिए ये हमारा ये डायग्राम, आप देखिए इंजन रूम बिल्ज एंड बैलास्ट सिस्टम, इसमें आपको सिखाते हैं बैलास्टिंग और डी बैलास्टिंग कैसे किया जाता है। अब बैलास्टिंग क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बैलास्टिंग मतलब आप टैंक में पानी ले रहे हो, जब आपका शिप डिस्चार्ज किया जाता है तब आपको टैंक में पानी लिया जाता है, नहीं तो वो ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा शिप, तो बैलास्ट मेंटेन किया जाता है। तो इसका प्रोसीजर ये है, आप देख रहे हैं BWV01 करके एक वाल्व है, यहाँ पे आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से, देखो हम आपको एक करके दिखाते हैं, यहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे, तो इस तरीके से ओपन करेंगे। अब आप देखिएगा ये ग्रीन हो जाएगा, जैसे ही ओपन करेंगे इसको ग्रीन कर देगा, मतलब पानी यहाँ से सक्शन लेगा और फिर ये नंबर 1 बैलास्ट पंप है, इसके थ्रू वो पानी टैंक में जाता है। अब देखना ये थोड़ी देर में आप देखोगे ये वाल्व एकदम ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये वाल्व खुल गया है, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसके बारे में अच्छे से जान जाते हैं, तो इस तरीके से ऑपरेट होके ये देखिए ग्रीन हो गया। अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और अभी फिर यहाँ पे क्लोज कर दूँगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। इस तरीके से BWV01 ओपन करना होता है, उसके बाद BWV07 आप देख रहे हैं, मतलब वाटर जो फ्लो है वो BWV01 से आया, फिर वो बैलास्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ऊपर से इस तरीके से घूमते हुए आके फिर वो BWV07 से आके सीधे टैंक में आता है। मैं आपको टैंक के व्यू में ले चलता हूँ, टैंक के व्यू में आपको क्लियर नज़र आएगा कि टैंक का व्यू कैसा है। अब यहाँ से ये सारे टैंक के वाल्व है, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, तो इस तरीके से टैंक है। अब इसमें जो ग्रीन लाइन है, आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, वो टैंक के लिए है जो बैलास्ट टैंक होता है, और ब्राउन कलर स्ट्रिपिंग के लिए होता है, और ब्लू होता है होल्ड ब्रिजेस। तो ये मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है इसके बारे में ऐसा होता है। ये लुब्रिकेटर का कंप्यूटर है, इसमें शिप स्टेबिलिटी वगैरह का डिटेल्स दिया जाता है। उसके बाद ये सारे ये जोन लगे हुए हैं, अब आप देखिए इस इंटरनेशनल रोड लाइन जोन है, इसमें आपको सारा जोन के बारे में दिया होगा। ये पूरा वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, इसमें इंडिया जो आता है, आप देखिए इंडिया किधर आ रहा है, इंडिया जो आता है हमारा समर जोन में आता है, तो इसमें अलग अलग मंथ के अलग अलग जोन दिए होते हैं। फिर ये बैलास्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 2 सिस्टम है, नंबर 1, नंबर 2, इसको ऑन करके बैलास्ट मोड में डाला जाता है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। फिर ये कैलकुलेटर, वॉकी टॉकी, एंड यहाँ पे ये पूरा फाइलिंग सिस्टम है, जो फाइलें मेंटेन की जाती है शिप्स ऑफिस में, जो कि चीफ ऑफिसर मेंटेन रखता है। फिर ये बोर्ड है, यहाँ पे सब कुछ लिखते हैं हम लोग कि कितना बैलास्ट है, और ये हमारा कंप्यूटर है जहाँ पे चीफ ऑफिसर बैठ के काम करता है और बाकी ऑफिसर्स भी। इस तरीके से ये टेबल है, यहाँ पे टेबल में टेबल एंड चेयर दिया हुआ है, तो जो भी आएगा वो इस तरीके से बैठ सकता है। तो ये एक जनरल सा व्यू था शिप्स ऑफिस का, व्यू कैसा होता है। फिर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसके बाद ये देखिए ये अलमीरा वगैरह है, एंड ये एक ओवरव्यू आपको मैंने दिखा दिया है। ये हमारा कैडेट है स्माइल करते हुए, कैडेट कुछ बताइए। अभी क्या बताना है, सब चीफ ऑफिसर ने बता दिया आपको। ये हमारा होनहार कैडेट है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके जो आगे आए हैं, एंड ही इज़ वेरी गुड कैडेट, आई लाइक टू सेल विथ हिम अगेन, वंस आई विल बिकम मास्टर आई वॉन्ट सी हिम इन थर्ड ऑफिसर। सो कैडेट कुछ अपने बारे में बताइए, आप अभी बल्क कैरियर है, आपका आगे क्या फ्यूचर है, मतलब आप किस टाइप के शिप्स आपको पसंद है? अभी कैडेट शिप में मुझे 3 शिप करनी है। ओके, वेरी गुड। अभी बल्क कैरियर था फर्स्ट, तो मैं होप करूँगा आगे कि टैंकर मिले करके। कौन सा टैंकर चाहिए आपको? LPG टैंकर। हाँ, LPG में किस लिए जाना चाहते हो? LPG में जाना चाहते हैं क्योंकि ले वो LPG का, जिसमें जो LPG में काम करते हैं उनका मार्केट वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो आप अपनी मार्केट वैल्यू बनाना चाहते हैं? हाँ सर, वो सब यहाँ पर उसके लिए आए सर, पैसा कमाने के लिए। ये कैडेट का एक शॉर्ट इंटरव्यू आपको दिखाया इस तरीके से, आप देखिए ये बाहर का व्यू देख सकते हैं शिप्स ऑफिस से, जो विंडो होता है, बाहर रेन भी नहीं हो रही है,
सो ये एक शिप्स ऑफिस का छोटा सा मैंने आपको व्यू दिखाया है अलोंग विथ माई कैडेट जो कि हमेशा तैनात रहता है काम करने के लिए।